हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो है अपने घर पर जियो एयर फाइबर इंस्टॉल कराया था, तो इसके ऊपर हमने जो है दो ब्लॉग ऑलरेडी आप लोगों को जो है यहाँ पे दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे जियो एयर फाइबर की इंस्टॉलेशन हुई है, कौन कौन सा प्लान है इसके अंदर है, हमने कौन सा प्लान लिया था। और दोस्तों, अब इसको इंस्टॉल हुए लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि 20 से 22 दिन जैसे इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ये जियो एयर फाइबर हमें एक्चुअल स्पीड कितनी दे रहा है, ये कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम करता है या फिर नहीं करता है, कोई लैग वैग है या नहीं है, आपको जो डाटा मिलता है वो आपके लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन सी OTT ऐप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो काफी भाई इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि ये चैनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई स्पोर्ट्स चल रहे हैं, इनके IPL चल रहा है, तो IPL में स्पोर्ट्स के चैनल बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ पे आप IPL वगैरह कैसे देख सकते हैं इस एयर फाइबर के अंदर या फिर TV के थ्रू दोस्तों, तो कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, और ये व्लॉग ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगे तो इस व्लॉग एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। अब गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप इसको बुक वगैरह करते हैं या फिर इसकी इंस्टॉलेशन होती है, उसमें कितना टाइम लग जाता है या फिर उसमें कोई हरासमेंट वाला सीन है या फिर नहीं है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप विलेज एरिया में रहते हो तब तो आपको थोड़ा लैग देखने को मिलेगा, अगर आप बुकिंग कर रहे हैं या फिर आपकी इंस्टॉलेशन हो रही है तो आपकी इंस्टॉलेशन में टाइम लग जाएगा। अगर आप दोस्तों टाउन एरिया में रहते हैं, एक सिटी एरिया में रहते हैं, एक अच्छे शहर में रहते हैं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने आज बुक किया है और कल की डेट में आपके पास इंजीनियर आके आपका सेटअप जो है 2 से 3 घंटे में सेटअप इंस्टॉल हो जाता है, कम्प्लीटली एक्टिव कर देते हैं, तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपका प्लान एक्टिव हो जाता है, बस बुकिंग कर लेना पहले से, ठीक है, नेक्स्ट डे आपकी जो है इंस्टॉलेशन भी ये प्लान करके शेड्यूल करके आ जाएंगे और आपका जो है प्रॉपरली इंस्टॉल और एक्टिव करके दे देंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर जो भी सेटअप बॉक्स वगैरह मिलता है, उस सेटअप बॉक्स को भी दोस्तों ये जो खुद से सेटअप करके आपको देंगे, एंड उसके अंदर जितने भी चैनल्स मिलते हैं, जितनी भी OTT ऐप मिलती हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे गाइड करेंगे, बता देंगे दोस्तों, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता ही दूंगा कि कौन कौन सी OTT ऐप इस प्लान के अंदर मिलती हैं एंड कौन कौन से चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को टीवी का यहाँ पे जो है सेटअप दिखा देता हूँ कि टीवी का सेटअप कैसे किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जियो एयर फाइबर के इंजीनियर्स आते हैं वो जियो एयर फाइबर के सेटअप बॉक्स को आपके किसी भी नॉर्मल टीवी या फिर आपके स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट होने के बाद जो है उसकी पूरी सेटिंग्स कैसे करते हैं, ठीक है, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे पूरे स्टेप्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बाकी जो नंबर्स वगैरह है वो मैंने हाइड कर दिए हैं। तो इस तरीके से जो भी इंजीनियर यहाँ पे आएगा वो खुद ही आपके जो है इस सेटअप बॉक्स का पूरा सेटअप जो है कंप्लीट आपको करके दे देगा। देन उसके बाद जब आपका जो पूरा सेटअप एक्टिव हो जाता है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद आप इसके अंदर चैनल्स एंड OTT ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब उनमें कौन कौन सी OTT ऐप हैं, कौन कौन से मैक्सिमम चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर भी बात कर लेते दोस्तों। तो चलिए गाइस, मैं आपको OTT ऐप यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है रिमोट एंड ये है हमारा यहाँ पे जियो का सेटअप बॉक्स, ठीक है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे सेटअप होने के बाद हमें सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारा जो है वाईफाई से ये कनेक्टेड हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये चेक कराता हूँ कि यहाँ पे हमें जो OTT ऐप है वो कौन कौन सी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं होम पेज पर हूँ उस टाइम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो OTT ऐप को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बटन मिल जाएगा इस रिमोट के अंदर, जियो टीवी प्लस का, ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करना है, तो जियो टीवी प्लस के अंदर आप चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर यू के अंदर भी आपको जो है OTT ऐप देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ जो है इसको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चैनल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और इसी के अंदर OTT ऐप भी देखने को मिल जाएंगी। ये मेरे से गलती से प्ले हो गया डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं नीचे आया तो एक्सप्लोर मोर का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जो यहाँ पे प्राइम वीडियो का जो OTT ऐप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसी मतलब प्लान के अंदर देखने को मिल जाता है, G5 का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है आप लोगों को, डिस्कवरी प्लस मिल रहा है, लॉयंस गेट प्ले मिल रहा है आपको, सोनी लिव मिल रहा है, बाकी अटरम शटरम आपको पता है कि जियो सिनेमा आपको मिल रहा है, एंड जियो सिनेमा के अंदर आपको पता है कि IPL चल रहा है भाई, ठीक है, तो जियो सिनेमा के अंदर आप बिल्कुल फ्री में जो है इसका मजा ले सकते हो जियो फाइबर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी काफ़ी सारी OTT ऐप हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि YouTube हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 16 जो है OTT ऐप आपको देखने को मिल जाती हैं। बट इनमें से फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ज़्यादातर मतलब यूज़ करी है या मैं जो उनको फ़ोन पे भी यूज़ कर रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी मैं सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो है यहाँ पे प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, G5, और दोस्तों लॉयंस गेट को मैंने अभी मतलब एक्टिव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यूज़ नहीं करता इतना ज़्यादा, मेरा यूज़ नहीं हो पाता। सोनी लिव मैंने यूज़ कर लिया दोस्तों, ठीक है, सोनी लिव मैंने देखा चला के, और जियो सिनेमा दोस्तों, ठीक है,
और बाकी YouTube तो नॉर्मल है, तो YouTube तो हम चला ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गया दोस्तों कि आपके पास कौन कौन सी OTT ऐप है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जियो टीवी प्लस के अंदर ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ डिजिटल टीवी के नाम से। अब जो ये डिजिटल टीवी है इसके अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी गाइड्स, बेसिकली आपको यहाँ पे कौन कौन से चैनल्स मिलते हैं। तो टीवी गाइड्स के अंदर अगर आप जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो टीवी गाइड्स को मैं ओके कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं टीवी गाइड पे क्लिक करते हैं। अब टीवी गाइड्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज जो चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में आपको पता भी चलता रहेगा कि किस टाइम पे कौन सा यहाँ पे जो है मतलब सीरियल वगैरह आने वाला है, क्या प्रोग्राम जो है प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी में आपके चैनल्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे तरफ करूँगा तो आप यहाँ पे सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे HD है, फुल HD है, नॉर्मल चैनल्स है, ठीक है, सब के सब चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं एक नॉर्मल हिंट आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं सारे चैनल्स को आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि गाइड के अंदर जाके आप यहाँ पे ऐसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से चेक नहीं करना चाहते तो मैं एक स्टेप बैक चला जाता हूँ और नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि लाइव जो चैनल्स हैं आप यहाँ पे जो आपने रिसेंट वॉच किया हो तो वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स वन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, स्टार प्लस भी है, कलर HD है, जी के सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और जी और जो G5 की ऐप अगर उसके अंदर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सारे चैनल्स जी ऐप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ के चैनल्स हैं, ठीक है, और कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ की कैटेगरी है, म्यूज़िक की है, स्पोर्ट्स की है, एंटरटेनमेंट की है। तो यहाँ पे जिस भी तरह की कैटेगरी के आप चैनल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफ ETV, ये कुछ चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, न्यूली एड चैनल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, अब आपके काम के हैं नहीं हैं तो वो आप लोग देख लें दोस्तों, ठीक है। और JioTV+ स्पेशल जो इनके चैनल्स होते हैं वो तो आपको बिल्कुल फ्री मिल ही जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा सोनी लिव की जितनी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी चैनल्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सभी के सभी यहाँ पे लाइव चैनल्स हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। जितने भी चैनल्स हैं आप यहाँ पे इनको इजीली प्ले कर सकते हो, मैं किसी एक को प्ले करके आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है सोनी लिव को ही ले लेते हैं, सोनी सब को ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो सोनी सब के ऊपर जो है हम यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं, तो सब कुछ लाइव चलेगा बिना किसी ऐड के, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो ये हो गए स्पोर्ट्स के आपके, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स वन मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है, स्टार भारत मिल जाता है, स्टार गोल्ड मिल रहा है, और स्टार स्पोर्ट 2 मिल रहा है भाई, ठीक है। तो काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि स्टार स्पोर्ट वगैरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर वर्क करता है, देख सकते हो आप। HD चैनल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्टार प्लस चल रहा है, और हिंदी में स्टार जो वन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, स्टार स्पोर्ट वन। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों हम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको G5 के जितने भी चैनल से देख सकते हैं, G5 से रिलेटेड, तो वो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो G5 से रिलेटेड हैं, सभी के सभी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सन नेक्स्ट के, ठीक है, लाइव TV चैनल, बिजनेस न्यूज़ के, और यहाँ पे HD लाइव चैनल अलग से जो मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मोटे मोटे चैनल्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई दी है, ठीक है। बाकी इनको अगर आप डेडिकेटली पूरे चैनल्स की लिस्ट लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक एक्सेल की शीट में बना के दे दूंगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं ज़रूर से एक एक्सेल शीट यहाँ पे बना दूंगा आप लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट होम पेज पे, तो कौन कौन सी OTT ऐप है, कौन कौन से चैनल्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि जो भी सब्सक्रिप्शन इसके अंदर मिलता है मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे डिस्नी प्लस हॉटस्टार है इसका भी हमने जो सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। और सेम चीज़ दोस्तों हम अपने फ़ोन में भी यूज़ कर पा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे मनीष के नाम से आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको फ़ोन में भी यूज़ कर पाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन का कोई ऑप्शन नहीं आया, तो कोई भी कंटेंट अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं सीधा वॉच का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लान आपका मंथली यहाँ पे मिलता है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है इस प्लान का मजा ले सकते हैं। मंथली प्लान है तो मंथली आपका जो है एक मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है, जैसे आपका प्लान रिन्यू होगा नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो आपका जो प्लान है दोबारा से यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे बैक कर लेते हैं, एक स्टेप और बैक करते हैं, और अब यहाँ पे हम चलते हैं होम पेज पे दोबारा से। और सेकंड जो हमारी ऐप है वो आप प्राइम वीडियो है, तो प्राइम वीडियो मैंने ओपन कर रखी है, ठीक है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे जो है मतलब एक्टिव कर रखा है इस प्लान को भी, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बस जिस मोबाइल नंबर से या फिर जिस भी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड करते हो एक बार, तो उसी जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर से आपको अपने फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर या फिर LCD जिस पे भी आप जो एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और हम अब चलते हैं होम पेज के ऊपर,
और दोबारा से मैं आपको यहाँ पे जा जी टीवी दिखा दूँ। जी टीवी के अंदर जो है आपको जितनी भी जी टीवी के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो सीरियल्स हैं, मूवीज हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, होम के अंदर देखोगे तो शो भी दिख जाए आपको, मूवीज दिख जाएंगी, लाइव टीवी जो इसके चैनल्स अलग से आपको मिलते हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे, तो सब के सब आपको G5 के जितने भी चैनल्स हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए दोबारा से होम पे चलते हैं। और जितनी भी ये मैं आपको जो मैंने यहाँ पे OTT ऐप दिखा रहा हूँ, सभी के सभी मैंने अपने फोन में भी इंस्टॉल कर रखे हैं। आप सोनी लिव का ओपन कर लेते हैं, तो सोनी लिव मैंने फोन के अंदर भी इंस्टॉल किया हुआ और यहाँ पे हमारी LED के अंदर भी चल रहा है। तो एक ही अकाउंट आप मल्टीपल डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी सोनी लिव के चैनल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जितने भी पॉपुलर चैनल्स हैं और जो भी इसका कंटेंट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट प्रोफाइल का नाम ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पे क्लियरली लिखा भी, यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडिटी 11 मार्च से मेरा जो प्लान है शुरू हुआ था और 12 अप्रैल 2024 तक ये वैलिड है, यानी कि एक मंथ के लिए हमें यहाँ पे एक्टिव सब्सक्रिप्शन मिलती है। जैसे ही हमारा नेक्स्ट मंथ का जो प्लान एक्टिव होगा तो ये दोबारा से रिएक्टिव हो जाएगा और 13 अप्रैल से आगे 13 मई या 12 मई के आसपास वहाँ पे दिखाता रहेगा, क्योंकि हमने 6 महीने का यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस रिचार्ज करवा रखा है दोस्तों। चलिए हम बिल्कुल यहाँ पे होम पेज पे चले जाते हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये फोन के अंदर भी आप देख सकते हैं, जियो सिनेमा ऐप इंस्टॉल है, प्राइम वीडियो है, सोनी लिव है एंड लॉयंस गेट प्ले भी मैंने कर रखा है, बट इसको मैंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। G5 चल रहा है और ये तो जियो माई जियो ऐप है भाई, कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है जो जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों ये सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, तो गाइस अगर आपके पास यहाँ पे जो है एयर फाइबर लगा हुआ है जियो का, तो आपको जियो सिनेमा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है इस प्लान के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों आप IPL को लाइव देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ भी आपको जो है यहाँ पे अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी आपके जो चैनल्स होंगे जियो सिनेमा के अंदर दोस्तों, वो आप यहाँ पे इजीली वॉच कर पाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी एड आ रही है, आपको पता कि लाइव पे अभी एड आई, तो एड भी आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दूसरी ऐप दिखा देता हूँ, यहाँ पे सोनी लिव। तो सोनी लिव के अंदर भी मैं ओपन कर दिया सोनी लिव। ठीक है, मेरा जो फोन है ना ये बड़ा थोड़ा सा स्लो है भाई, स्लो रिस्पॉन्स देता है, तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे ये थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देता है। और जो आप देख सकते हैं सोनी लिव भी मेरा जो है ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है प्रोफाइल पे चेक करा देता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 अप्रैल 2024 तक जो है ये वैलिड है, जो मैंने आपको जो है टीवी में दिखाया था। ठीक है, 12 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, और साथ में नंबर वगैरह मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो है कंटेंट अगर आप प्ले करोगे, तो कोई भी कंटेंट आप प्ले कर लो, तो आपका जो कंटेंट है यहाँ पे एड्स वगैरह आपका प्ले होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी कंटेंट को, अपकमिंग कंटेंट को आप प्ले कर लो, कोई भी शो, कोई भी मूवी, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो होम पे चलता हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे सोनी लिव में मिल जाता है, और सोनी लिव के जितने भी यहाँ पे ऐप्स होंगी वो भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो सब्सक्रिप्शन है वो है हमारा यहाँ पे G5 का। तो G5 के अंदर देख लेते हैं, तो G5 के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो है हमारा लॉगिन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी हमारा सब्सक्राइब्ड है और यहाँ पे सेम चीज़ मेरे टीवी में चल रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे टीवी शो है, मूवीज है, ठीक है, वेब सीरीज है, वो तुम यहाँ पे क्लिक करके वन बाय वन इस चीज को वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टेंट जो है प्ले हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुड़ी पंजाब दी, और यहाँ पे ये भी प्ले हो जाएगा। कुछ मतलब कुछ भी कंटेंट है भाई, एड वगैरह तो देखने को मिलेगी मिलेगी आप लोगों को। तो जो भी आप लोगों ने जियो फाइबर के अंदर सब्सक्रिप्शन ले रखा है दोस्तों, तो वो सब्सक्रिप्शन जो है आप मल्टीपल डिवाइस में यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, सोनी लिव को तुम फोन में भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और दो डिवाइस यानी कि अलग स्मार्ट टीवी में भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब गाइस मैंने आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन सी OTT ऐप मिलती है, कौन कौन से यहाँ पे चैनल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया दोस्तों। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे जो स्पीड है या फिर इसकी जो कनेक्टिविटी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है, जैसे कि इसको 20 से 22 दिन हो चुके हैं यहाँ पे घर पे लगे हुए दोस्तों, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आई है। बट यस, इसके अंदर जो अभी ग्रीन लाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्रीन लाइट कई बार रेड हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए दोस्तों, तो यानी कि मान सकते हैं आप कुछ सेकंड के लिए बीच में लैग देखने को मेरे को एक दो बार मिला है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी पड़ी या कोई इंजीनियर घर पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, साथ के साथ ही जो है ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये नेटवर्क से प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये टावर से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप फोन पे भी यूज करते हो नेटवर्क कई बार जो है स्किप हो जाता है, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ये दिखा देता हूँ कि जो 1000 GB डाटा आपको मिलता है उस 1000 GB डाटे में आप कितना यूज इसको कर सकते हैं एक महीने के अंदर, ये खत्म हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा आप लोगों से। अगर देखो आप लोग एक नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, सोशल मीडिया ऐप को यूज करके उन वीडियोज को देखते रहते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, ज्यादा डाउनलोडिंग नहीं करते हो, और घर में आपके 4 से 5 मेंबर भी हैं और टीवी आप चलाओगे रेगुलर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो 1000 GB डाटा है वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मैं आप लोग अपनी यूसेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइड में आप देख सकते हैं मेरा अभी तक दोस्तों यहाँ पे 6680.59 GB अभी लेफ्ट है। 1000 GB में से लगभग मैंने जो है 300 GB के आसपास दोस्तों मैंने यूज़ किया है, जैसे कि 20 से 22 दिन हो चुके हैं। डेली टीवी वगैरह भी चलता है दोस्तों, ठीक है, आईपीएल वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे ये भी वॉच करते रहते हैं, और मैं कंप्यूटर पर जो है वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, फ़ोन वगैरह यूज़ करते रहते हैं। फिर हमारा जो है 20 से 22 दिन में सिर्फ 300 GB के आसपास ही खर्च हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि आपके लिए 1000 GB डाटा काफ़ी सफिशेंट होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप डाउनलोडिंग भी करेंगे तब भी आपका ये काम ईजिली चला देगा। और आपको जस्ट यहाँ पर प्लान स्टार्ट करना है 599 से, क्योंकि ये इनका स्टैंडर्ड प्लान है, बेसिक प्लान है, और इस प्लान के अंदर दोस्तों आपको जो है 30 MBPS की स्पीड मिल जाती है, जो कि आप एक 4 से 5 मेंबर के लिए सफिशिएंट हो जाती है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे स्पीड थोड़ी डाउन भी देखने को मिल सकती है और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ भी इस जियो एयर फाइबर से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको जरूर से रिप्लाई कर दूँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना।